हमारे हिंदू धर्म में कुल 4 वेद 18 पुराण हैं और इन्हीं वेद और पुराणों में सभी देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतारों का वर्णन किया गया है और तो और इसके साथ ही सृष्टि के निर्माण और संहार की बातों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पुराण और वेदों के अनुसार ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सदाशिव है कौन, क्या इनके द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और अगर इन्हीं के द्वारा पूरी सृष्टि कंट्रोल होती है तो आखिर वो कैसे होती है और क्या ये सभी त्रिदेव जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं और जितने भी अन्य देवता हैं, क्या इन सभी की उत्पत्ति सदाशिव से हुई है। तो तमाम इस तरीके के इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आखिर शिव और सदाशिव में अंतर क्या है, क्या ये अलग अलग हैं या फिर ये सब एक ही है। तो हमारे हर एक वेद और पुराणों में शिव भगवान के बारे में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को अजन्मा अविनाशी के रूप में बताया गया है। वहीं अगर बात करें हम सदाशिव के बारे में तो उन्हें परम ब्रह्म के रूप में यानी निरंकारी के रूप में बताया गया है, जिनके द्वारा ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है और इन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का संहार भी हो जाता है, जिसके कारण ही इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, जिनकी पत्नी माँ अंबिका यानी दुर्गा माँ को बताया गया है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि शिव और सदाशिव दो अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो अब आपको ये लगता होगा कि क्या ये सही बात है, तो चलिए इस बात को और थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। तो अगर हम एक बार फिर से शिव पुराण की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इस सृष्टि में अंधकार था या कहें जब पूरी सृष्टि का नामो निशान भी नहीं था, यानी जब सृष्टि में ना जल था ना वायु था ना अग्नि थी और था तो केवल ब्रह्म ही था, और उसी ब्रह्म और अविनाशी को ही सदाशिव का नाम दिया गया है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि बिल्कुल शून्य में थी तब उस परम ब्रह्म सदाशिव के भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ और तब फिर उस निरंकार रूपी परमात्मा ने अपनी तीन शक्तियों से तीन मुख्य रूपों की उत्पत्ति की, जिनका नाम पड़ा ब्रह्मा विष्णु और महेश। यानी सदाशिव के अर्ध नारीश्वर स्वरूप को ही शिव शक्ति या सदाशिव कहा जाता है, जिनके द्वारा ही अनेकों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा और अलग अलग शिव और विष्णु मौजूद है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए इन शक्तियों की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मदेव का काम होता है एक ब्रह्मांड का निर्माण करना और भगवान विष्णु का काम होता है उस ब्रह्मांड का पोषण करना और भगवान शिव का काम होता है उस ब्रह्मांड का अंत कर देना। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि एक और नए ब्रह्मांड की रचना हो सके, जिसे ही सृष्टि चक्र कहा गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे वेदों में ये पहले ही बता दिया गया है कि हमारी जो सृष्टि है ऐसी असंख्य सृष्टियां मौजूद हैं जिसमें असंख्य ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं और हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और महेश होंगे जो सृष्टि के समय चक्र को चलाते हैं। तो इन सभी बातों से एक बात ये साफ हो जाती है कि सदाशिव परम ब्रह्म या कहे अर्ध नारेश्वर से ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है और एक समय या कहे काल के बाद सभी कुछ उसमें समाहित हो जाता है, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में मोक्ष कहते हैं। यानी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और इसी परमात्मा को ही परम ब्रह्म कहा गया है। और अब अगर हम सदाशिव के स्वरूप की बात करें कि आखिर उनका स्वरूप है कैसा, तो ये बताना तो काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनके स्वरूप को हमारे पुराणों में और वेदों में निरंकार के रूप में दर्शाया गया है और निरंकार का मतलब ही होता है कि उनके द्वारा ही अन्य रूपों की उत्पत्ति होना। लेकिन फिर भी इनके 5 मुखों की चर्चा हर एक पुराण और वेद में हुई है, तो आखिर वो कौन से 5 मुख है जिनकी चर्चा हर एक वेद और पुराण में होती है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। वैसे तो भगवान शिव कहे या सदाशिव, इनके 5 मुखों की बहुत सी कहानी है, लेकिन 2 ऐसे मुख्य कहानी है जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अत्यंत आकर्षक रूप अपना धारण कर चुके थे, तो भगवान विष्णु के उस रूप को देखने के लिए देवताओं में होड़ सी मच गई, क्योंकि वो रूप इतना ज्यादा आकर्षक था जिसे देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव भी उनके स्वरूप को देखे बिना रह नहीं पाए। तब भगवान शिव ने ये सोचा कि उनके इस स्वरूप को देखने के लिए मेरा एक चेहरा यानी मेरा एक मुख काफी कम पड़ जाएगा, और अगर मेरे अनेक स्वरूप या मुख हो जाएंगे तो मैं भी भगवान विष्णु के इस मनोहर रूप का दर्शन काफी देर तक कर सकता हूँ।
तो भगवान शिव के द्वारा इस प्रकार की इच्छा जब उनके मन में प्रकट हुई तो तुरंत ही उनके पांच मुख प्रकट हो गए और वे उन पांच मुखों से भगवान विष्णु के मनोहर रूप को देखने लगे और तब से ही ऐसा कहा जाता है कि वो पंच मुखी बन गए। इसी तरीके से एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था तब प्रथम देव शिव ने ही सृष्टि की रचना के लिए पंचमुख धारण किए, या कहें शिव जी ने जीवन को उत्पन्न किया, इसलिए वो पंचमुखी कहलाए। और भगवान शिव के, या कहें सदा शिव के इन पांच मुखों से ही जीवन के पांच तत्वों का निर्माण हुआ, यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति इन्हीं से हुई। इसलिए भगवान शिव के ये पांच मुख पंच तत्व भी माने जाते हैं। और अब अंत में बात करते हैं कि आखिर भगवान शिव के वो पांच मुख कौन से हैं, उनके आखिर नाम क्या क्या हैं जो इतने ज्यादा प्रचलित हैं। तो शिव पुराण और स्कंद पुराण और कुछ अन्य पुराण और वेदों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जगत कल्याण की कामना के लिए भगवान शिव, या कहें सदा शिव ने अलग अलग कल्पों में उन्होंने अनेकों अवतार लिए, जिनमें उनके पांच प्रमुख अवतार हुए, जिनके नाम थे खदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार। और भगवान शिव या सदा शिव के द्वारा लिए गए इन पांच अवतारों को ही पंचानन कहा जाने लगा। अब बात करते हैं कि उनका पहला अवतार यानी पहला मुख, उसका मतलब क्या होता है, जिसका नाम है खदोजात। तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब ब्रह्मा किसी अन्य सृष्टि की रचना के लिए भगवान परम ब्रह्म, या कहें सदा शिव का ध्यान कर रहे थे, तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने पहले अवतार खदोजात रूप में दर्शन दिए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को खदोजात मंत्र दिया और इसी मंत्र की सहायता से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी शुरू कर दी। तो अब बात करते हैं भगवान शिव, या कहें सदा शिव के दूसरे स्वरूप के बारे में, जिसे वामदेव अवतार कहा गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड के एक ब्रह्म देव थे जिनका नाम था रक्त वर्ण, तो उनको पुत्र की कामना हुई और वो पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान सदा शिव, या कहें शंकर की ध्यान करने लगे। ठीक उसी समय एक पुत्र उनके सामने प्रकट हुआ जिसने लाल रंग के वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे और शंकर, या कहें सदाशिव के ऐसी अवतार को वामदेव रूप का नाम दिया गया ताकि वो सृष्टि की रचना और तेजी से कर सके। और अब बात करते हैं भगवान शिव के तीसरे अवतार के बारे में, या कहें तीसरे मुख के बारे में, जिसका नाम है तत्पुरुष। तो इस अवतार के बारे में शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि ये अवतार पितवासा नाम के 21वें कल्प में हुआ था और इस कल्प में ब्रह्मा जी पीले वस्त्र, पीली माला और पीला चंदन धारण कर जब सृष्टि की रचना के लिए व्यग्र होने लगे तब भगवान शंकर उन्हें तत्पुरुष रूप में दर्शन देकर उनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था। और अब बात करते हैं चौथे अवतार के बारे में, तो उसे अघोर अवतार कहा गया है और भगवान शिव का ये अघोर अवतार शिव कल्प में हुआ है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें, तब भगवान शिव, या कहें सदा शिव, या फिर कहें परम ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को अपने अघोर रूप में दर्शन दिया और भगवान शिव का ये अघोर रूप काफी ज्यादा भयंकर था। यानी पूरी तरीके से उन्होंने काला वस्त्र पहना था, काली पगड़ी पहनी थी और काला यज्ञोपवीत और काला मुकुट धारण किया हुआ था और अपने मस्तक पर जो उन्होंने चंदन भी लगाया था वो भी काले रंग का था। और उसी स्वरूप में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को अघोर मंत्र दिया था जिससे कि वे सृष्टि की रचना करने में समर्थ हुए। और अब बात करते हैं भगवान शिव के उस आखिरी अवतार के बारे में, या फिर कहें उस आखिरी मुख के बारे में, जिसे ईशान अवतार कहा गया है। यानी ऐसा कहा जाता है कि विश्व रूप नामक कल्प में भगवान शिव का ईशान नामक पांचवा अवतार हुआ था और ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे और ठीक कुछ समय के पश्चात ही भगवान ईशान प्रकट हुए, जिनके स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि उनका स्वरूप स्फटिक के समान उज्जवल यानी काफी तेज था। और जब भगवान ईशान प्रकट हुए तो उन्होंने सरस्वती माता सहित ब्रह्म देव को सन्मार्ग का उपदेश देकर कृतार्थ किया था और उसके साथ ही सृष्टि को रचने के लिए अन्य आयामों की जानकारी दी थी। तो ये रही जानकारी भगवान शिव के पांच अवतारों के बारे में, या फिर कहें पांच मुख के बारे में, जो दर्शाते हैं भगवान सदा शिव के अलग अलग रूपों के बारे में, जो ये भी दर्शाता है कि उन्हीं के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना भी हुई थी और उन्हीं के द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति भी हुई थी और उन्हीं में वो तीनों देव समाहित भी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और वो विराट रूप किसी और का नहीं स्वयं सदा शिव का था
और इस संसार को चलाने के लिए वो अपने ही रूप को अलग अलग रूपों में डिवाइड करके प्रकट होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।